बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पत्रकारों के साथ एक चैट ने भूचाल मचा दिया है, भूचाल ला दिया। इस चैट में प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की बहुत तारीफ की है, बंगाल चुनाव को बीजेपी के पक्ष में जाते हुए बताया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर के इस चैट की एक ऑडियो क्लिप जारी की है, जिसमें प्रशांत किशोर बंगाल में बीजेपी की मजबूत स्थिति और पीएम मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से चैट करने वाली पत्रकार ट्विटर पर अब बचाव करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस ऑडियो पर प्रतिक्रिया देती दिखाई दे रही है, ये कहते हुए कि चैट के दौरान प्रशांत किशोर ने हमेशा टीएमसी के जीतने की बात कही। सुनिए आप उस चैट को पहले। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं, और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर, यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जिस जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। मोदी की पॉपुलैरिटी वो यहाँ पर लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चैट के लीक होने के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई भी दे दी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरे क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई कि बीजेपी जीत रही है। प्रशांत किशोर के बीजेपी की तारीफ वाले ऑडियो पर लगातार अब रिएक्शंस आने लगे हैं। सांसद जो है बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी वो प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन उससे पहले उस बातचीत में जो लोग शामिल थे वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कई बार साफ कहा कि ममता जीत रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं कर पाएगी। ये वो लोग हैं जो उस चैट में मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने एक नहीं कई बार कहा कि ममता जीत रही है, भाषा एकदम एक जैसी। लेकिन अब आप लॉकेट चैटर्जी की प्रतिक्रिया को भी सुन लीजिए। लॉकेट चैटर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी वजह से टीएमसी हार रही है, उसी का प्रमाण प्रशांत किशोर का ये बयान भी है। 500 करोड़ रुपए तो जनता के हाथ से लिया है, जनता का पैसा है, कहाँ से ले 500 करोड़ रुपए, टीएमसी को कहाँ से मिलेगा। तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सोनार बांग्ला होगा। और बहुत पहले ये हो गया था जब टीएमसी ने व्हील चेयर का पॉलिटिक्स शुरू किया था, प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजी था उस टाइम से हम लोग को पता चल गया था। ABP News आपको रखे आगे।